टेक्नो साइन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके एटीएम कार्ड, जैसे कि मेरा एटीएम कार्ड जो कि एक्सपायर हो चुका है, तो अगर आपका भी एटीएम कार्ड ऐसे ही एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आप ऑनलाइन पर एक नए एटीएम कार्ड के लिए कैसे ऑर्डर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों से उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ओके, देन लेट्स स्टार्टेड। टेक्नो साइन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए टेक सरप्राइजेस रोजाना पाने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन पर एटीएम बुक करना चाहते हो, तो फिर आप सबसे पहले आपकी जो अकाउंट है, जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग है, वहाँ पर आप लॉग इन कीजिए। मेरा SBI का है, तो फिर मैं ऑनलाइन SBI पर जल्दी से जाता हूँ। फिर आप आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है वहाँ पर लॉग इन कर लीजिए, आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड देकर। हाँ, तो लॉग इन होने के बाद आप अपने इंटरनेट बैंकिंग की जो ई सर्विस, जी हाँ दोस्तों, ई सर्विस पे आप जाइए। ई सर्विस पे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई देगा बहुत सारा ऑप्शन, वहाँ से ATM कार्ड सर्विस, उसको चूज़ कीजिए। फिर उसको चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट ATM और डेबिट कार्ड, जी हाँ दोस्तों, आप इसको क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने दो तरीके की ऑप्शन आएगा, एक तो आप OTP और दूसरा प्रोफाइल पासवर्ड। आप अगर चाहे तो आपकी जो अकाउंट की जो प्रोफाइल पासवर्ड है इंटरनेट बैंकिंग की, उसे देखकर आप लॉगिन कर सकते हो। और दूसरा, जो आपका जो मोबाइल है वहाँ पर आप OTP आएगा, उस OTP को सेंड करके भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर OTP ऑप्शन चूज़ करूँगा। फिर दोस्तों, आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वहाँ पर एक OTP आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आप उस OTP को आप यहाँ पर देने के बाद ओके, फिर यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन आएगा, आप आपकी जो अकाउंट वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो कार्ड के ऊपर जो नेम प्रिंटेड होगा, आप उसे टाइप कीजिए, जैसे कि आपका नाम जो भी हो, ABC। और फिर आप आपकी कार्ड का जो टाइप, आप कौन सा कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं, SBI मास्टर कार्ड ग्लोबल और मास्टर कार्ड पेपर्स और वीज़ा कार्ड ग्लोबल और वीज़ा पे वेब, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए, ठीक है। फिर इसे एक्सेप्ट कीजिए, फिर सबमिट कीजिए। फिर इसे दोबारा से सबमिट करने के बाद फिर आपको एक पेमेंट पे जाएगा, और ओनली 2 रुपीज़, जो 2 रुपये आपको देने के बाद आपका जो ऑर्डर कंफर्मेशन, उसका एक स्लिप आएगा और फिर वो कंफर्म हो जाएगा। 2 रुपीज़ दोस्तों, ये आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, 2 रुपीज़ आपके अकाउंट से नहीं जाएगा। तो फिर उस ऑर्डर को कंफर्म करने के बाद जो रिसिप्ट आएगा, आप उसको संभाल कर रख दीजिए। अगर आपकी फ्यूचर में ATM नहीं आए, तो फिर उसको आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाकर आप वहाँ से भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है ATM से रिलेटेड या फिर कुछ और चीज़ के लिए, तो फिर प्लीज़ बेझिझक मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, क्योंकि एक कदम सच्चा लगेगा।